सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। मैं पीयूष मोहन आपकी चहेती दुकान विशेष औषधि वाला से आपका स्वागत करता हूं। दिनों से आपके नई नई समस्याओं पे वीडियो डाल रहा हूं, लेकिन आपसे एक शिकायत है कि आप इसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, नहीं फिर आप भूल जाएंगे। आप सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूं आज भी। उसको लाइक कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और दूसरों को शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि हम ये चाहते हैं कि जो भी ज्ञान मैं आपको दे रहा हूँ केवल आप तक सीमित नहीं रहे, वो दूसरे तक भी पहुंच जाए, जिससे कि दूसरे लोग भी इसका लाभ ले सके। आज मैं बढ़ती उम्र के बाद जो घुटनों के कटकट की समस्या या घुटनों ग्रीस खत्म हो जाता है, दर्द होता है, उस पर बात करने वाला हूँ। उसके लिए मैं आपको तीन चार चीजें बता रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। एक तो ये हर्बल कनाडा का निर्गुंडी सिरप आता है, ठीक है। इसको आपने क्या करना है, सुबह उठते ही गर्म पानी करके दो गिलास गर्म पानी में चार चम्मच इसको बिना ब्रश किए ले लेना है, और उसके बाद यही आपने इसको रिपीट कर देना खाना खाने से पहले। कब? रात को खाना खाने से पहले दो गिलास पानी में चार चम्मच ये रिपीट कर देना है। ये आपके ग्रीसिंग के लिए बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। दूसरी, शतावर का चूर्ण आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम, आपको रात को लेना है और सुबह लेना है, दूध से लेना है सुबह शाम, ठीक है। ये आपको ताकत देगा, आपकी मांसपेशियों को ताकत देगा, ठीक है। तीसरा, पतंजलि का अश्वशिला कैप्सूल, एक कैप्सूल सुबह एक कैप्सूल शाम, दूध से लेंगे खाना खाने के बाद, सुबह नाश्ते के बाद ले लीजिए शतावर भी और ये भी, और रात को खाने के बाद जब सोते हैं आप उस समय ले लीजिए, ठीक है। दर्द भी होता होगा, दर्द तो होता ही है, तो दर्द के लिए मैं देसी चीज बता रहा हूँ, वेदांतक वटी। ये बहुत बढ़िया वटी है, एक गोली सुबह एक गोली शाम लीजिए खाने के बाद में, जब दूध से आप ले रहे हैं उसी समय ले लीजिए। दिन में तो खाने के बाद ले लीजिए, रात में दूध से ले लीजिए, ठीक है। ये दर्द में आपका काम करेगी और नेचुरल है मेडिसिन, दर्द की कोई अंग्रेजी दवाई नहीं है जिससे आपके किडनी पे इफेक्ट पड़े, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा, आपके घुटनों के दर्द में काफी रिलैक्स देगा, काफी फायदा देगा। साथ ही साथ आप कुछ एक्सरसाइज, कुछ व्यायाम कर सकते हैं जो कि आपको करने चाहिए। वो ये है कि पैर को इस तरह से आप घुमाएंगे कुर्सी पे बैठ के और मांसपेशियों को खींचेंगे, इस तरह से पैर को रख लेंगे और घुटने को खींचेंगे, रिलैक्स करेंगे, खींचेंगे रिलैक्स करेंगे घुटने को। ये दो तीन तरह की एक्सरसाइज है, ऐसे खड़े होके घुटने को गोल गोल घुमाएंगे इस तरह से, ये तीन चार तरह की एक्सरसाइज है। इसको करने से आपको घुटने के दर्द में फायदा होगा। मैंने आपको एक्सरसाइज बताई है, इसको आप करते रहिएगा क्योंकि इस एक्सरसाइज से आपकी मांसपेशियां मजबूत होंगी। लेकिन इससे पहले आप ध्यान रखिएगा कि एक रुमाजॉक्स तेल आता है, इसको लगाइए आप, और लगाने के बाद में गर्म थोड़े करके किसी भी चीज को प्रेस को गर्म कर लीजिए या किसी भी चीज से मालिश करने के बाद उसकी शिकायत भी कीजिए और फिर एक्सरसाइज कीजिए, तो आपको लाभ होगा, दर्द में काफी लाभ होगा और आपके अंदर जो ग्रीस है वो बनना शुरू होगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो एक काम रुकिए मत, इसको शेयर जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद।